अपने भाई की रक्षा करने के हित अपने भाई के प्रति अपने प्राणों को गमा दिया, उसे कहते हैं भाई। लेकिन हे विभीषण, तुमने स्वार्थ का काम किया, तुम्हें लाज नहीं आती है। ऐसे ही कायर मर्दों से ये धरा बहुत थर्राती है। हे विभीषण जी, तुमने तो अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई का त्याग कर दिया। यदि तुम लंका से अपने भाइयों से पीठ दे करके नहीं भागते तो तुम्हारी लंका का नाश नहीं होता। विभीषण, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना कहा, दोनों बच्चों की बातों को सुनकर के विभीषण जी को ताब आ गया। बोले, ए बालको, तैयार हो जाओ मरने के लिए। बोले, उठाओ धनुष। लोग पहले से तैयार थे। विभीषण जी ने तरकस में हाथ डाला, तुम तो बाण छोड़ दिया। विभीषण की छाती में लगा, राम राम कह के औंधे भवी गिर पड़े। हे राजन परिषद, भगवान की लीला कैसी अपार है। ये गति कर दई नव और कुश ने, रण को हाल कहो नहीं जा। नल और नील पड़े धरती पे, उनको गई है मूर्छा। जाम मंथ सुग्रीव विभीषण, सबको गई मूर्छा है। ये गति देखी भरत लाल ने, सन्मुख डटे बराबर जा। ए बालको, भग जाओ मेरे आगे से, अपनी ले जाओ जान बचा। घोड़ा को तुम वापिस दे दो, नहीं जम लोक तुम्हें तुमको पटा। इतनी सुनकर नव कुश बोले, सुनो भरत जी ध्यान लगा। जियत घोड़ा है हम ना देवे, मरे पचा है राम ले जाए। गांधीजे लड़े समर में चचा भतीजे, को काहू को पारु न पाए। लबने पारु भरत के मार हो, ओंधे गिरे धरन भराए। सबको एक एक करके परास्त किया। सेना का सेनापति पीछे खड़े हो, देखा दशा भाग पड़ा। भगवान श्री राम को जाकर के कहा, प्रभु गजब हो गया। भगवान बोले, क्या हुआ महाराज? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है इन दोनों बालकों के हाथों से इस अयोध्या का सफाया नजर आ रहा। राम जी बोले, काम कर लो। सेनापति बोले, कहा अब जितने बाकी रह गए हैं, अब मेरे संग चलो। जो भाज भाज के हार गए ना, ते तो राम जी से बोले, प्रभु ऐसा कर, हम तो थक गए, तुम ही चले जाओ। बोले, नहीं, सबको चलना होगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मानव लीला खेलते हुए आज वो कैसा कर सकता, दिखा रहे हैं कि अपने नन्हे नन्हे बालकों से ऐसे ऐसे महान योद्धा, जिनको अपने अपने बल पर घमंड हो गया था, अपनी वीरता पे उनको अभिमान था, ऐसा ऐसा पराक्रम भगवान राम अपने ही बच्चों के हाथों से उनका गुरूर चूर लिया। गौर कीजिए, लीनो रथ सजवाई राम ने, और सेना भई तैयार। लीला रचाई हर ने, काऊ ने न पायो जाको पार। अरे लीनो रथ सजवाई राम ने, सेना भई तैयार। लीला रचाई हर ने, काऊ ने न पायो।
रण को बाजो बजे वीर सब धाए हैं। अरे रण को बाजो बजे वीर सब धाए हैं। समर भूमि के बीच पलक में आए हैं। आ समर भूमि के बीच पलक में आए हैं। दोनों पुत्र खड़े हैं वहाँ पर लीने राम निहार। लीला रचाई हर ने काऊ ने न पायो जाको पार। बच्चे हो एक बार मैं जानना चाहता हूँ, अरे किसके हो तुम लाल कौन है मैं तारी। अरे किसके हो तुम लाल कौन है मैं तारी। बादर डारे फार उमर त्यारी बारी। अरे बादर डारे फार उमर त्यारी बारी। अरे बड़े के बड़े बड़े बलधारी तुमने दिए धरन पे डार। लीला रचाई बुजुर्गो, एक गुप्त में पांच सौ एक रुपए की माला है। ये गुप्त दान किया है भगवान, उन पर कृपा बनाए रखे, सदैव भंडार भरे रहे। आज इस तरह भगवान आपने पूछा है, एक बार मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी जननी कौन है जो ऐसे ऐसे वीरों को आज तुमने परास्त किया, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूं। दोनों बच्चे हंस रहे और क्या बोले, सुन रघुवर के वचन कुमार दो मुस्काए। अरे सुन रघुवर के वचन कुमार दो मुस्काए। सुन रघुवर के वचन कुमार दो मुस्काए। अरे सुन रघुवर के वचन कुमार दो मुस्काए। क्या बोले हंस करके, पहले तुम बता दो। राम जी पूछ रहे बच्चों से, लेकिन दोनों बच्चे हंस करके कह रहे हैं, अरे कहां के हो भूपाल यहाँ तुम क्यों आए। अरे कहां के हो भूपाल यहाँ तुम क्यों आए। क्या तुम राम अयोध्या वारे हमसे कहो उचार। लीला रचाई हर ने कहू ने न पायो जा गोपाल। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री राम की उस लीला को देखने लिए देवता भी आकाश मार्ग में उतावले हो रहे हैं, ये देख रहे हैं। जब दोनों बच्चों ने कह दिया कि पहले तुम बता दो तुम कहां के राजा हो जो तुम यहां आए हो, राम जी को हंसी आ गई। ध्यान दीजिए के मोकु आवे हसी वो मर्यादा पुरुषोत्तम। के मोकु आवे हसी और राजन के ना छोरा दिखे दिखे तपसी। आवे हसी हो राजन के ना छोरा दिखे दिखे तपसी। आज राम जी ने कहा कि हे बच्चे हो, तुम्हारा मस्तक क्षत्रियों जैसा है लेकिन तुम्हारी वेशभूषा ब्राह्मणों जैसी है। राम जी वो जानते हुए भी अपने बच्चों से कह रहे हैं कि एक बार सिर्फ एक बार मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी मां कौन है। कुछ बोले भैया लव, ज्यादा कह रहे हो तो बता दो थोड़ा। सुनिए जी हमारा परिचय सुनिए। हाँ हाँ बोलो। के बन देवी के हम हैं बच्चे वाल्मीकि जी ने पाला। बन देवी के हम हैं बच्चे वाल्मीकि जी ने पाला। तुम काहे को आई यहाँ पर, तुम काहे को आई यहाँ पर डार गले में पाला।
अरे बात ना त्यारे बसती ओ राजन के ना छोरा दिखे दिखे तब फसी मोरे आवे हसी ओ राजन के ना छोरा दिखे दिखे तब फसी दोनों बच्चों ने हंसते हंसते कह दिया वन देवी के हम हमें बच्चे वाल्मीकि ने पाला और तुम काय को आए यहाँ पर डार गले में माला बात ना त्यारे बसकी। राम जी बोले वाह बेटा वाह, धन्य है उस जननी के लिए जो तुम जैसे वीरों को पैदा किया है। लेकिन हे बच्चों मुझे सुनो, मैं हूँ राम अयोध्या वालो सुन ले बात हमारी, मैं हूँ राम अयोध्या वालो सुन ले बात हमारी। कुछ कहने लगे भैया लव आ गया समय, ये वही है हाँ। लव कहने लगे पूछ लेना हाँ हाँ। राम जी ने कहा है बाल को इधर देखो, मैं हूँ राम अयोध्या वालो सुन ले बात हमारी, अरे मैं हूँ राम अयोध्या वालो सुन ले बात हमारी। और या तो घोड़ा बापे दे दो, या तो घोड़ा बापे दो ने करो समर की तैयारी। अरे बात ये लव के घट की, राजन के ना छोरा दिखे दिखे तपसी मोए आवे हसी, ओ राजन के ना छोरा दिखे दिखे तपसी। दोनों बच्चे खिल खिला उठे तो तुम्हें हो राम तुम्हारी प्रशंसा और तुम्हारा चरित्र हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे लेकिन हे राम तुम्हें राम अयोध्या वाले आज सामने आए, तुम्हें राम अयोध्या वाले आज सामने आए। तुम्हारी प्रतीक्षा बड़े दिनों से कर रहे थे कि हमारी मुलाकात कब हो, लेकिन आज हुई है। तुम्हें राम अयोध्या वाले आज सामने आए, अरे तुम्हें राम अयोध्या वाले आज सामने आए। एक गुहार की दे दोनों बच्चों ने आज क्या शब्द भगवान श्री राम से कहा, ए राम जी काम करी है तुमने खोटे, काम करी है तुमने खोटे, माँ के दूध नचे हमें क्या दोगे दामों की। और राजन के ना छोरा दिखे दिखे तपसी मोए आवे हसी, और राजन के ना छोरा दिखे दिखे तपसी। आज दोनों बच्चों ने राम जी को भी चैलेंज दे दिया और कह दिया आप तो विष्णु की अवतार श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम संसार कहता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र बड़ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे कार झूठे। राम जी बोले ए बालको कैसी अनर्गल बातें करते हो, हाँ राम हम ठीक कहते हैं, कहां गई तुम्हारी वो मर्यादा, आज ये दो बच्चे तुमसे सवाल करते हैं। अयोध्या के राजा राम हो, विष्णु के अवतार हो, रघु कुल की तुम्हारी नीति है, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं। नहीं जाने तराम कहाँ पे बसे ये राम को राज हमें नहीं भावे, कहा था नहीं जाने तराम कहाँ पे बसे ये राम को राज
हमें नहीं भावे बल राखो अगर भोज दंडन में तो जीत के बाद आज ले जामे। हे राम तुम्हारे लिए इन दोनों बालकों का चैलेंज है, इसे स्वीकार करना होगा। आप कहते हो कि घोड़ा को वापस कर दो, लेकिन पहले हमारे सवालों का उत्तर दीजिए। कहां गई वो तुम्हारी नीति, कहां गई वो तुम्हारी मर्यादाएं, जिस नारी ने तुम्हारे ऊपर सर्वस्व लुटा दिया उसे एक धोबी के कहने से आपने वनों में भेज दिया। हे राम ऐसा क्यों किया आपने? राम जी कहने लगे मैंने राज धर्म की खातिर ऐसा किया, राज धर्म की खातिर। लेकिन ये तुम्हारी नीति हम दोनों को अच्छी नहीं लगी। आपने इस घोड़ा के मस्तक पर लिखा कि जो कोई वीर उस घोड़ा को पकड़े उसे राम से राम की सेना से युद्ध करना होगा। लेकिन हे राम इस पत्र में तुम्हारे अभिमान की बू छलक रही थी, इसको हमने जान करके और तुम्हारी शर्त को हमने स्वीकार किया है क्योंकि हम भी क्षत्रिय हैं। यह तुम्हें ऐसा ही हुनर है, अपने पे घमंड है, तो आज ये दो बालक तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो राम इसलिए तुम्हें समझाता हूं क्यों बच्चों से तुम रार बढ़ावे। नहीं मानो राम अगर मेरी तो करनी को फल नाहक पामे। आज दोनों बच्चों ने राम जी को इस तरह चैलेंज कर दिया। राम जी ने कहा हे बालको तुम बहुत बड़ी अनर्गल बातें करते हो, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, ना अस्त्र शस्त्र उठाना चाहता, इसलिए आप इस घोड़ा को वापस कीजिए। इस घोड़ा से तुम्हारा क्या मतलब था जो आपने पकड़ रखा? बोले मतलब था इसीलिए तो हमने पकड़ा है कि इसमें आपने सूर वंशियों को क्षत्रियों को चैलेंज किया था, तो हम भी क्षत्रिय बालक हैं। या तो आप हमसे युद्ध कीजिए, नहीं तो अपने धनुष बाण हमारे सामने डाल दो, हम तुम्हारी हार स्वीकार कर लेंगे। राम जी कहने लगे बालको तुमने मुझे इतना उकसा दिया, मैं नहीं करना चाहता था। कुछ कहने लगे तो कर लीजिए, बैठे कब को हो, उठाओ धनुष युद्ध कीजिए। जैसे ही धनुष पे भगवान श्री राम ने हाथ डाला, राम जी खड़े हो गए रथ पे। लेकिन गौर कीजिए तरकस से बाण निकाल के जब चढ़ा के तैयार हुए, आकाश मार्ग में जो देवता नजारा देख रहे, एकदम से बिजली जैसी कड़की हाहाकार मच गई। हे प्रभु आप ठहरिए। ब्रह्मा जी कहने लगे आप ये क्या करने जा रहे हो? यदि आज पिता पुत्र में युद्ध होता है ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भगवान का ध्यान उस समय देवताओं की तरफ हो गया। नेत्र बंद है, इस तरह आंखें बंद करके और सोच रहे हैं खड़े खड़े, वो लीला देख रहे प्रभु। दोनों बच्चे गौर से देख रहे, कुछ बोले भैया नब उठे तो बड़े क्रोध में, लेकिन ये तो देखते ही देखते मर गए, खड़े के खड़े ही रह गए। इनने तो एक बाण ना चला,
अब कहने लगे भैया चलो अब हमारे गुरुदेव और माता भी वापस आश्रम पे आ गए। आज इस तरह गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, दोनों बच्चे जब आश्रम की बात की है और माता का नाम लिया है कि हमारी माता भी आश्रम पे आ गई होंगी, गुरुदेव भी आ गए हैं, हनुमान जी देख रहे बड़ा ही गौर से। हनुमान जी अपने मन विचार लेते हैं कि हे विधाता, आज इन बालकों के सहित इनके जरिए इनके वास्ते मेरी माता के दर्शन हो जाए तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहेगा। बहुत दिन हो गए मैंने मैया को देखा तक। हनुमान जी की आंखों में आंसू भरा। ध्यान दीजिए, जो सीता जी के प्रथम पुत्र हनुमान ही थे। कौर कीजिए, जहां अशोक वाटिका में उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था, अपना धर्म का पुत्र उन्होंने स्वीकार किया था। तब कुश ने कहा, भैया लव, ये हनुमान जी है ना, ये हाँ, इन्हें भी संग ले चलो, मैया को दिखाएंगे, मैया से कहेंगे खिलौना बहुत सुंदर लेके आए, मैया देखेंगे बड़ी प्रसन्न होगी। हनुमान जी अपने मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चलो समय तो आ गया। आज दौड़ के हनुमान जी को वहां लेके पहुंचे हैं। गौर की जगह आश्रम के दरवाजे पे खड़े हैं। सीता जी ऋष माता के पास बैठती ही जा रही थी, उपास से संपन्न करके आई है। ऋषि वाल्मीकि जी ऋषियों में जाकर के पहुंचे हैं, बैठते ही जा रहे थे। जब तक तो दोनों बच्चों ने आवाज लगा दी, माँ ए माँ, माँ देखो दौड़ के आओ, आज हम सुंदर वस्तु लेकर के आए हैं, आप देखेंगी तो प्रसन्न हो जाएंगी, ऐसा खिलौना नहीं देखा होगा। मैया सीता दौड़ पड़ी है। अब जैसे ही दरवाजे पे पहुंची, गौर कीजिए मेरे भगवत बंधु, हनुमान जी पे दृष्टि पड़ी हुई। जो हनुमान जी ब्रह्मांश में बंधे हैं, दोनों बच्चे पकड़ के खड़े हैं। सीता जी एकदम से रो पड़ी, कहा बेटा लवकुश, क्या किया तुमने, ये इन्हें बांध रखा है। माँ हाँ, इसे हम बांध के लेके आए हैं, ये बंदरी का बच्चा है। तब सीता जी के आंसू धड़क रहे हैं। सीता जी बोली, बेटा तुमने बहुत बड़ा आज अनर्थ किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। लब कहने लगे, भैया ये इस बात समझ में हमारे तो आए ना रे, मैया को खुशी होनी चाहिए और मैया रो रही है। लब कहने लगे, समझ में नहीं रोना है। कुछ ने कहा, माता आज तुम्हें अपने पुत्रों पे गर्व होना चाहिए, आज अयोध्यापति श्री राम से हम विजय प्राप्त करके आए हैं, उनकी सेना सहित कुटुंब सहित उन्हें सबको मृत्यु दंड दे करके आए हैं, और ये बदरी का बच्चा तुम्हारे सामने बांध के लाए हैं। इतना सुना है सीता जी पछाड़ खा के पीछे गिर पड़े।
पूरा किया तुमने, जो तुम्हें नहीं करना था। मैंने जो सपने समोए बैठी थी, आज तुमने मेरे सपनों को तोड़ दिया। अरे भैरे से मतवारे दारे राम ने दारी। अरे टूट गए सभी सहारे बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ आपने कर दिया। अरे टूट गए सभी सहारे दारी। सीताजी रुधन करके रोने लगी है, तभी ऋषि वाल्मीकि जी दौड़ करके आए। सीताजी को देखा, दोनों बच्चों ने ऋषि वाल्मीकि को देखा। वाल्मीकि जी ने कहा, पुत्रों तुम्हारी माता क्यों रो रही है? आज दोनों बच्चे कहने लगे, गुरुवर यही तो हमारी समझ नहीं आ रहा है, ये कौन सी लीला है? गुरुवर आज हम अयोध्यापति श्री राम से युद्ध में विजय प्राप्त करके आए, और हनुमान को बांध के लाए। हमने माता को संदेशा बताया, माता सुनते ही रोने लगी, ये कारण क्या है? ऋषि वाल्मीकि जी कहने लगे, अवधपति श्री राम की दूमी कथा सुना, जिनसे आज विजय प्राप्त करके आए। हे बेटा लवकुश, तुमने कहा था ना, जब मैंने राम की जीवन गाथा को अपने ही हाथों से लिखा और तुम्हें श्रवण कराया, मैंने सीता के वनवास पर जाके ठहरा दिया था। हे पुत्र, तुमने कहा था कि आगे लीला लिखी है, नहीं तो मैंने कहा लिखी है, तुमने कहा सुनाते क्यों नहीं हो, तो मैंने तुमसे यही कहा था कि ये ऐसे आगे कथा समय आने पर ही सुनाऊंगा। अब वो समय आ गया। गुरुदेव शीघ्र जल्दी बतलाओ, जो तुम्हारी माता है ना, ये जो रो रही है, रुधन करती है। बोले हाँ बेटा। आज कहने लगी, हाँ गुरुदेव बेटा, ये ही सीता श्री जानकी वन देवी, इनका नाम है और पिता तुम्हारे अवधपत, जिनसे कियो संग्राम है। ये भेद बेटा आपसे अब तक छुपाए हम रहे, सुनकर बचन गुरुदेव के एक टक कुमार देखत रहे।
यही सीता हैं, यही जनक नंदिनी हैं, यही पन देवी हैं, जो कि तुम्हारी माता है और जिनसे आप विजय प्राप्त करके आए हो वो तुम्हारे स्वयं पिता राम है। ऐसा सुन करके दोनों बच्चे छाती से छाती लगा करके रोधन करके कहने लगे, हे गुरुदेव ये क्या किया, हे मुनिवर तुम ही कहो छूटा सब्र करार और ये कैसा अनरत हो गया, अब जीवन को गुरुदेव ऐसा नहीं होना चाहता, जो कि हमारे हाथों से हुआ धोखा किया गुरु मात ने, अब तक हमारे साथ में इससे तो मरना है भला, ले लो कटारी हाथ में। हे भैया लव संसार थूकेगा कैसे, किस मुंह लेकर के अयोध्या में जाएंगे, गुरु और माता ने कितना बड़ा हमारे साथ ये भेद छुपा के रखा। हे मुनवर तुम ही कहो अयोध्या में कैसे जाएंगे, संसार थूकेगा हमें, हम कैसे मुख दिखलाएंगे। तब यहां पर यह बात सुनकर ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा चलो अपनी माता को साथ लो। वो समय आ गया, अब मैं तुम्हारे कुटुंब तुम्हारे परिवार तुम्हारे पिता से परिचय कराऊंगा। लव कहने लगे, भैया कर लो इनते बात है, अब जो परिचय का पेड़ रुख अंत करांगे, हम तो सवर्ण मार के आए। वाल्मीकि जी कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हें वो विद्या नहीं सिखाई जो तुम किसी के प्राण ले सको। चलो सब मूर्छित अवस्था आज बड़े ही प्रसन्नता के साथ दोनों बच्चे खुश होकर के अपनी माता हनुमान और गुरु को लेकर के जहां पहुंचे हैं, जहां पर सारा ही उनका कुटुंब परिवार मूर्छित अवस्था में पड़ा और जो ऋषि महात्मा जितने भी थे उस यज्ञ में आए थे सब वहां से चल करके और वहां पहुंचे जहां लवकुश का युद्ध हुआ था। चारों तरफ खड़े देख रहे हैं नजारा, अयोध्यावासी भाग भाग करके आए। जैसे ही ऋषि वाल्मीकि जी दोनों बच्चों को लेकर के सीता जी को लेकर पहुंचे हैं, तब तक राम जी का ध्यान सामने हटा तो सीता जी पे निगाह उनकी पड़ी। सीता जी को निहारते ही कहा, प्रिय हे सीते तनक हमको ये बता दो, देखिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम मानव लीला खेलते हुए सीता जी से पूछ रहे हैं और सारे लोग ये अयोध्या के तमाशा देख रहे हैं, वह ऋषि ब्राह्मण सभी ये नजारा देख रहे हैं। सीता जी से पूछा है कि ये पुत्र कौन है, सीता जी ने कहा प्रभु ये दोनों ही पुत्र आपके हैं, लवकुश इनका नाम है, तुम्हारी धरोवर एक मेरे पास थी, इसको मैंने बड़ा संभाल के रखा। बेटा लवकुश जाओ अपने पिताजी से मिली, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे पिता नहर रह करके मैंने तुम्हें माता पिता का दोनों का सुख दिया, आज से तुम्हारे पिता मुझे न रह करके तुम्हें दोनों ही सुख प्राप्त होंगे। हे राजन परिषद कैसी लीला है दोनों पुत्रों की, भाग्य माता ने जन्म दिया लेकिन पिता का उन्हें प्यार नहीं मिला, अब जब प्यार मिलने का समय आया तो माता ने पिता की अर्पण कर दिया कि जाओ अपने पिताजी से मिलो। दोनों बच्चे दौड़ पड़े हैं, इधर राम जी रथ से नीचे उतर कर दोनों बच्चों को अपने हृदय से सीने से लगाया। ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों, इधर धरती
माता से सीता जी प्रार्थना कर और कहने लगी है, मां बस मेरा समय पूर्ण हो चुका कि फट जा धरती मात सिया कुने कले ले गोदी में फट जा धरती मात सिया कुने ले गोदी में आशीर्वाद कहती है कि हे मां जब से मैंने जन्म पाया सुख नाम की चीज नहीं देखी मां मो दुखिया का आज मेरा हाथ पकड़ ले मां जो हम करी धर्म की करनी जो हम करी धर्म की करनी तो तुम फट जाओ मैया धरनी तो तुम फट जाओ मैया धरनी माता ले ले अपने साथ सिया कुल ले गोदी में फट जा धरती माता सिया कुल ले गोदी में। आज श्री वाल्मीकि संतों में जाके खड़े हुए हनुमान जी उधर भगवान राम के पास पहुंचे हैं, इधर सीता जी धरती से विनय कर रही हैं। लेकिन गौर कीजिए मेरे भगवत बंधु, दुखिया लखी सिया महारानी दुखिया लखी सिया महारानी आज सीता जी ने कहा कि हे मां यदि मैंने अपने पवित्र धर्म का पालन किया है तो मुझे ठौर दे, मुझे ठौर दे मां, मैं अपने धर्म ईमान पर साबित रही हूं मां, मैंने कोई पाप नहीं किया। अब इस जगत में जब नारी का सम्मान ही हट गया तो मेरा जी के क्या होगा। दुखिया लखी सिया महारानी दुखिया लखी सिया महारानी प्रगट भई जगदम्ब भवानी अरे प्रगट भई जगदम्ब भवानी एकदम आकाश से बिजली जैसी आवाज हुई, धरती में दरार पड़ गई, सभी चौकन्ने हो गए। राम जी देख रहे हैं सीता जी उधर विनय करी है धरती में से, धरती माता प्रकट हुए, बोलो धरती मैया की, बोलो सीता मैया की। गौर कीजिए राम जी ने कहा ठहरो सीते ठहरो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो सीता जी ने कहा भगवान मेरा समय पूर्ण हो गया, अब मेरे मारक का रोड़ा बन न बनो नाथ, बस मेरा यहां तक कहीं साथ था। आज सीता जी ने धरती माता की गोद में पहुंचने से पहले है राजन परिषद अपनी छिंगो उंगली को चीर करके अमृत की वर्षा वहां तक करवाई जहां तक उन सारा कुटुंब सारी सेना उनका परिवार पड़ा था। जैसे ही अमृत की वर्षा हुई सबकी मूर्छा जगी, भाग भाग करके वो नजारा देख रहे हैं सीता माता के दर्शन कर, वो सब धन हो रहे हैं जिन्होंने सीता मैया को दोष लगा करके वनवास भिजवाया था। आज वो अपना क्षमा मांगने के लिए पास पहुंचे, कहने लगे माँ हम हैं वो पापी, हमको क्षमा करते जाओ माँ, हमने ही तुम्हें दोष लगा के वनों में भिजवाया था, चरणों में गिर पड़े हैं। सीता जी ने कहा हे महाराज आप राजा हैं, ये तुम्हारी अवध की प्रजा तुम्हारे लवकुश की भांति है, इनको बच्चा समझ क्षमा कीजिए नाथ, ये कर्तव्य तुम्हारा ही है। गौर कीजिए मेरे भगवत बंधुओं, सीता जी ने
यहां राम जी से यह भी कहा कि हे भगवान अब मैं जा रही हूं, मेरा और आपका जन्म जन्म का रिश्ता, जन्म जन्म में आपकी रहूंगी, जन्म जन्म तुम मेरे रहो, लेकिन मैं एक ही प्रार्थना करूंगी हे नाथ, ऐसा जो दुख मैंने इस जन्म में देखा ऐसा दुख मुझे किसी और अवतार में मत देना। सीता जी रो करके सबको ही प्रणाम किया है, उनके पिता जनक भी उस यज्ञ में आए थे, अपनी सीता जैसी बेटी को पाकर के उन्हें गर्व हुआ और कहा बेटी मैं धन्य हो गया तुझे पाकर, जब जब ये धरती आकाश रहेगा तब तब तेरा नाम पुकारा जाएगा और तेरे साथ साथ बेटी मेरा भी ये मस्तक गौरव से ऊंचा होता है। आज सीता माता ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और कहा पिताजी मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा कर देना। आज सीता जी धरती माता की गोद में पहुंच गई। ध्यान दीजिए रघुवर रहे आवाज लगाई रघुवर रहे आवाज लगाई कहने लगे हैं सीते ठहरो और कहा हे धरती मां। राम जी ने धरती को पुकारा और कहा कि तुम ऐसा अन्याय मेरे साथ नहीं कर सकती, मेरी अर्धांगिनी को मुझे वापस दीजिए नहीं तो मैं उथल पुथल कर दूंगा, मेरे क्रोध को आप जानती हो। लेकिन गौर कीजिए ब्रह्मा जी उसी क्षण उपस्थित हुए, कहा हे मर्यादा पुरुषोत्तम अपने क्रोध को शांत कीजिए, जो मानव लीला खेलने के लिए तुमने अवतार लिया था अब वो समय पूर्ण हो चुका है। गौर कीजिए सीता जी ने कहा हे भगवान अब तो नहीं, यज्ञ मुझे आत्मसमर्पण करके दोनों भाई आएंगे तो मैं तुम्हें पातालपुरी राजा अम्बरीश के यहाँ मिलूंगी। बोलो सीता मैया की अंतिम भेंट देखिए मेरे भागवत बंधु। गौर कीजिए मेरी माता बहनों, जो पातालपुरी राजा अम्बरीश की कथा, क्योंकि कथाएं तो बड़ी बड़ी हैं, बहुत ही मार्मिक कथा है जिन्हें छोड़ते नहीं बनता, लेकिन क्या करूं मैं भी कुछ असमर्थ हो गया जो मुझे कहना नहीं चाहिए। मैंने इस हिम्मत पर के लिए अपनी भी हिम्मत जुटाई थी, इनकी हर बात मैंने स्वीकार फोन, आप लोग हिम्मतपुर वाले हिम्मत जुटा लो तो मैं रात्रि में यहां से आगे की कथा राजा अम्बरीश की पातालपुरी की सुना के जाऊंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान दीजिए सीता गई धरणी में समाई, सीता गई धरणी में समाई, अभी तेरे लब को समाते मात सिया तू ले लयो बोली भटे गई धरती मात सिया को ले लयो बोली में। अरे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित सीता जी का धरती में समाना हुआ। ऋषि वाल्मीकि जी ने भगवान राम को सारी कथा श्रवण करा के उन्हें धैर्य दिया। आज वह लवकुश को लेकर के अयोध्या पहुंचे। सीता जी के धरती में समा जाने से
अयोध्या में शोक जैसा छा गया। गौर कीजिए माताओं बहनों भाइयों, लेकिन उन दोनों बच्चों को दर्शन देने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए श्री राम जी से सीता जी का रोजीना आना जाना बना रहता था, क्योंकि उधर जगत के पिता है, इधर जगत माता है। भगवान ने तो मानव लीला खेली है, सब लोगों को दर्शाया है कि हमें क्या करना चाहिए। हे मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, इस जगत में आए हो, ये हमारे वेद इतिहास कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अब जो कुछ ही पल जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से आने वाले हैं, 16 कलाओं से अवतार तो करके और इस जगत में द्वापुर में प्रेम ही प्रेम बांटने के लिए आए, और प्रेम सबको सिखलाया। श्री राम जी ने मर्यादाएं सिखलाई, तो ये प्रेम का सार है, प्रेम जगत में सार है। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है मेरी माता बहनों भाइयों। इस तरह कुछ समय राज और संभाला, ब्रह्मा जी के कहने अनुसार काल को भेज करके भगवान श्री राम को आमंत्रित किया धाम दीजिए वैकुंठ के लिए। उधर काल महात्मा का रूप धर के गए, राम जी से भेंट किया, तो राम जी समझ गए, काल को पहचान लिया कि यह ब्रह्मा जी का देवताओं का बुलावा मेरे लिए आ चुका है। तो काल ने यही राम जी से बात कही कि भगवान, मेरी और आपकी बात एकांत में होगी, यदि हमारी बात को कोई तीसरा न तो सुने और न देखे, यदि देख भी ले और सुन भी ले, तो भगवान वचन दीजिए तो मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड से देना होगा। तो हे राजन परीक्षित, ज्यादा ना कह करके यहां पर लक्ष्मण को मजबूर किया गया। समय पूर्ण होने पर दुर्वासा ऋषि के श्राप के भय से लक्ष्मण को यह बात स्वीकार करनी पड़ी इस जगत कल्याण के लिए। सभी सभासद गुरुजनों का विचार विमर्श कर राम ने हनुमान जी की वह बात मान करके अपने भाई लक्ष्मण जैसे भाई का उन्होंने अपने मन से हृदय से हमेशा के लिए त्याग किया। बोलो रामचंद्र भगवान की। इस तरह राम जी की आज्ञा पर लक्ष्मण जी सबको प्रणाम कर सरयू में जाकर के अपने आत्म समर्पण किया और पाताल के रास्ता से क्षीर सागर में जाकर के अपने असली रूप में शेषनाग के में जाकर के पहुंच गए। बोलो लक्ष्मण जति की जय हो। इधर भगवान राम ने कुछ ही समय राज और संभाला, अपने चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे, ध्यान दीजिए, अपने सहित सबको अलग अलग राजधानी नुप्त करके भगवान राजा राम फिर आत्मसमर्पण अपने भक्तों के सहित करने के लिए उस सरयू पे पहुंचे, जिसमें जाकर के भगवान ने आत्मसमर्पण करने के लिए अपने भक्तों को निहारा। जो जो भगवान की लीला देखने के लिए देवता भी नर रूप धारण करके गए थे, जिन्होंने भी जन्म राम जी से पहले जाके ले लिया था, वो भी अपने स्वामी भगवान के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंच गए। हे राजन परीक्षित, गौर कीजिएगा।